नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में जनता को बंगला गिफ्ट करने वाले विधायक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बंगले पर दरियादिली दिखाकर विधायक जी अचानक लाइमलाइट में आ गए। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद कामरान के बारे में, जिन्होंने गोल्डन गेट वाला सरकारी बंगला जनता के नाम कर दिया। अब इनके सराहनीय कदम की चर्चा तो पूरे बिहार भर में होने लगी, लेकिन अचानक चर्चा में आए मोहम्मद कामरान आखिर है कौन, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर मोहम्मद कामरान ने ऐसा क्यों किया और ये है कौन। इनके बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोहम्मद कामरान नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मोहम्मद कामरान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की पूर्णिमा यादव को 33,074 वोटों से हरा दिया था। मोहम्मद कामरान को 79,557 वोट मिले थे, जबकि उनके विरोध में लड़ने वाली पूर्णिमा को महज 46,483 वोट ही मिले थे। हालांकि पूर्णिमा जेडीयू से है और कामरान राजद से, दोनों के पार्टी अब सहयोगी दल बन चुके हैं और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें 2M स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगला रहने के लिए दिया गया था, जिसको अब उन्होंने जनता को गिफ्ट कर दिया है और इस बंगले का नाम जनता आवास रख दिया है। और ऐसा करके मोहम्मद कामरान पूरे बिहार के इकलौते विधायक बन गए हैं जिन्होंने जनता के नाम ये आलीशान बंगला किया है। इससे पहले किसी भी विधायक या किसी भी सांसद ने अब तक बिहार में ऐसा कदम नहीं उठाया, जिसके कारण मोहम्मद कामरान जनता के बीच काफी चहेते भी बन गए हैं, दुलारे भी बन गए। रो गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक, पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद कामरान ने पटना के 2M स्टैंड रोड स्थित अपने सरकारी बंगले को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये बंगला मुझे नहीं, हमारे गोविंदपुर विधानसभा के पूरे जनता का है। इसलिए हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि बिहार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम से पटना से आते हैं तो इस बंगले में रह सकते हैं। उनका खाना पीना बिल्कुल हमारे तरफ से मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा, जिससे लोगों को एक भी रुपए नहीं देने होंगे। इससे आम जनता को काफी सुविधा भी होगी। तो आमतौर पर बिहार के अलग अलग जिलों से लोग जो है वो अपना इलाज कराने या फिर किसी काम को लेकर के पटना आते हैं, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण उन्हें फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। लेकिन राजद के विधायक ने उन लोगों की सुविधा के लिए इस बंगले को जनता आवास बना दिया। इस बंगले में करीब 4 AC लगे हैं। इस बंगले के अलग अलग कमरे में आए यात्री जो है वो ठहर सकते हैं, उन्हें इससे काफी सुविधा मिलेगी। मोहम्मद कामरान के बारे में एक चीज और आपको यहाँ पर बता दें कि इन्होंने अपने वेतन मत को भी जीतने के साथ ही जनता के कामों में खर्च करने की घोषणा की थी। और यहाँ तक कि इस बंगले की बात है तो आपको बता दें कि इस बंगले के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये वही बंगला है जहां कभी सरकार बनने से पहले इसी बंगले में लालू के बड़े लाल और मौजूदा सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव रहा करते थे। लेकिन सरकार बदलने के साथ ही तेज प्रताप यादव का बंगला भी बदल गया, जिसके कारण ये खाली बंगला मोहम्मद कामरान को दिया गया था। लेकिन मोहम्मद कामरान ने इस बंगले का नाम जनता आवास रख दिया और जनता को समर्पित कर दिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि इस बंगले में वो नहीं, जनता रहेगी। मोहम्मद कामरान ने अपनी जीत के करीब 2.5 साल बाद जो काम किया है वो चर्चा अब पूरे बिहार में इसकी होने लगी है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।